हेलो एवरीवन। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 पेपर टू सीसैट कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस बाय इमरान शेख। तो मेरा नाम है इमरान शेख और आज हम जो है पेपर टू की एनालिसिस करने वाले हैं। 2015 का जो यूपीएससी का सीसैट का पेपर था उसकी हम एनालिसिस करने वाले हैं। पेपर वन की हम एनालिसिस कर चुके हैं, आप इस प्लेलिस्ट के अंदर वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। द सी सैट हैज बिकम अ क्वालिफाइंग एग्जाम फ्रॉम दिस ईयर, मेकिंग अ हाई स्कोर ऑफ नो वैल्यू। यू जस्ट नीड टू एंश्योर यू क्लियर द कट ऑफ्स। तो इस बार ये अनाउंस किया गया था कि 2015 का जो पेपर था इसे आने से 2 महीने पहले जो है अनाउंस किया गया था कि सीसैट पेपर जो है सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, यानी कि आपको जो है सिर्फ इसे क्वालिफाई करना है, पास करना है। इसमें ऐसा होता था कि जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है इनका जो सीसैट है एप्टीट्यूड है ये काफी स्ट्रांग होता था और वो ये पेपर में रिलाई करते थे कि मैं इसमें 200 में से 150 स्कोर कर दूंगा ताकि मेरे को पेपर वन के अंदर जो है अगर मैं सिर्फ 50 मार्क्स भी स्कोर कर सकता हूं तो मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लूंगा। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि सीसैट पेपर जो है वो एक क्वालिफाइंग पेपर होने की वजह से पेपर वन के ऊपर जो है ज्यादा स्ट्रेस आ गया है। तो अब सबको जो है पेपर वन प्रिपेयर करना होगा। सो दिस ईयर अगेन यूपीएससी प्रीलिम्स सीसैट पेपर डिड नॉट कंटेन एनी क्वेश्चंस ऑन डिसीजन मेकिंग। इस बार भी डिसीजन मेकिंग के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं था। एज प्रॉमिस्ड द इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस वेयर डन वे वे विद। तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर जो है 2014 के अंदर जो है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आए थे लेकिन उसे मार्क्स नहीं दिए गए थे, उसे मार्क्स नहीं दिए गए थे। और इस बार जो है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस जो है एज प्रॉमिस्ड वो नहीं थे। इन 2014 द इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वेर देयर, दे वेर नॉट कंसिडर इवेल्युएशन फॉर द स्कोर। वो उनका स्कोर मार्क नहीं किया गया था। द क्वेश्चंस वेर समवॉट अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ 30 क्वेश्चंस ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इस बार जो है क्वेश्चंस बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे तो 30 क्वेश्चंस जो थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर ज्यादा थे, 30 क्वेश्चंस थे। और उसके बाद 18 क्वेश्चंस जो थे वो मैथ्स के ऊपर थे, ये काफी कम थे 18 क्वेश्चंस। और 32 क्वेश्चंस जो थे रीजनिंग के ऊपर थे। तो ये एक काफी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था। द बिगेस्ट चेंज इन सी सैट दिस ईयर वॉज द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। तो इस बार जो है सी सैट के पेपर में एक बड़ा चेंज ये था कि उसके अंदर जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो सेक्शन था वो एक बड़ा चेंज था। द 30 क्वेश्चंस वेर स्प्रेड ओवर 22 पैसेजेस। लास्ट पे 2014 तक क्या होता था कि एक पैसेज होता था और उसके अंदर फाइव टू सिक्स क्वेश्चंस होते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि 30 पैसेजेस थे और 30 क्वेश्चंस थे और 22 पैसेजेस थे, यानी कि एक छोटा सा पैसेज था उसके ऊपर एक या दो क्वेश्चंस थे। द पैसेज वॉज वेरी स्मॉल इन लेंथ, ऑफन कंप्राइजिंग ओनली अ कपल ऑफ सेंटेंसेस। तो एक दो तीन सेंटेंसेस होते थे, कपल ऑफ सेंटेंसेस होते थे और उसके ऊपर सिर्फ एक या दो क्वेश्चंस बनते थे। द क्वेश्चंस वेयर ऑफ एन इनडायरेक्ट नेचर, इनडायरेक्ट नेचर के ऊपर, इनडायरेक्ट नेचर था क्वेश्चंस का, यानी कि डायरेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं थे कि इस पैसेज के अंदर आप पैसेज पढ़ लोगे और उसके ऊपर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। आपको थोड़ा लॉजिकल इंटरफेरेंस था और उससे आपको जो है इसका कंक्लूजन निकालना था और फिर उसको आंसर करना था। द पैसेजेस कवर्ड अ वाइडर एरिया देन 2014। 2014 के अंदर कम पैसेजेस थे और ज्यादा क्वेश्चन थे एक पैसेजेस के ऊपर। इस बार 22 पैसेजेस होने की वजह से जो है अलग अलग टॉपिक के ऊपर पैसेजेस होने की वजह से इन्होंने जो है एक वाइडर एरिया, ज्यादा एरिया कवर किया और लगभग हर करंट अफेयर की टॉपिक जो है उसके ऊपर क्वेश्चन इन्होंने बनाए। वन पर्टिकुलर पैसेज वॉज एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। एक जो पैसेज था वो एक एब्स्ट्रैक्ट नेचर का था। सम ऑफ दिस थीम्स कवर्ड बाय द पैसेजेस वेर, बहुत सारे जो थीम्स जो है कवर्ड इसके अंदर हुए थे वो चाइल्ड डेथ के ऊपर एक पैसेज था, फूड सिक्योरिटी के ऊपर था, कार्बन इमिशन के ऊपर था, नीड फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन था, द प्रॉब्लम ऑफ ओपन डेफिसिएशन था, एक्सेट्रा। यानी कि ये जो करंट अफेयर्स के टॉपिक थे, ये जो मीडिया के अंदर जो टॉपिक्स थे, डिस्कशंस के अंदर, एक्सपर्ट्स के अंदर जो डिस्कशन के अंदर जो टॉपिक्स थे, ये टॉपिक्स के ऊपर पैसेजेस बनाए थे।
इट वॉज कंसिडर्ड द नेचर ऑफ क्वेश्चन. इफ यू कंसिडर द नेचर ऑफ द क्वेश्चन द बेसिक न्यूमरेसी सेक्शन रिमेन अनचेंज. अगर हम नेचर ऑफ द क्वेश्चन देखें तो जो बेसिक न्यूमरेसी का जो सेक्शन था वो लगभग सेम ही था, इसे ज्यादा चेंज नहीं किया गया था. देयर वॉज ओनली वन क्वेश्चन ऑन ज्योमेट्री. ज्योमेट्री के ऊपर जो था, ज्योमेट्री के ऊपर सिर्फ एक ही क्वेश्चन था. ऑल द अदर क्वेश्चन पर्टेन टू अर्थमेटिक, और बाकी जो क्वेश्चन थे वो सब अरिथमेटिक के ऊपर थे. द टॉपिक्स ऑन विच द क्वेश्चन वेयर आस्ट वेयर मिक्सचर, परसेंटेज, वर्क एंड टाइम एक्सेट्रा. मिक्सचर के ऊपर क्वेश्चन थे, परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन थे, वर्क एंड टाइम के ऊपर क्वेश्चन थे. द क्वेश्चन वेर वेरी इजी एंड कुड हैव बीन सॉल्व विथ एलिमेंट्री अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन. ये बहुत ईजी क्वेश्चन थे, और अगर आपका एलिमेंट्री प्रिपरेशन है यानी कि 10th 12th का जो बेस है आपका अगर वो मजबूत है तो आप ये बगैर प्रिपरेशन के भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे. और पेपर टू जो सीसैट पेपर जो है क्वालिफाइंग होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस पर ध्यान नहीं दिया. द नंबर ऑफ विजुअल रीजनिंग क्वेश्चन वेर डाउन फ्रॉम 5 to 2. 2014 के अंदर जो है विजुअल रीजनिंग क्वेश्चन जो थे वो 5 क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार जो है वो कम होते हुए 2 पे आ गए. देयर वेर 3 क्वेश्चन ऑन डेटा अरेंजमेंट. डेटा अरेंजमेंट के ऊपर भी 3 क्वेश्चन थे. ओवरऑल देयर वेर 32 क्वेश्चन ऑन लॉजिकल रीजनिंग. तो 32 क्वेश्चंस जो थे ओवरऑल लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर थे. ओनली 2 क्वेश्चंस वेयर ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन. डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर सिर्फ 2 क्वेश्चंस थे. 5 क्वेश्चंस वेयर बेस्ड ऑन सेट थ्योरी. सेट थ्योरी जो है इस बार जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया था, और 5 क्वेश्चंस लगभग 12-12.5 मार्क्स जो थे वो सेट थ्योरी के ऊपर थे. One noticeable factor this year was that it was very difficult to categorize some questions as either logical reasoning or basic numeracy because they contained elements from both the areas. इस बार जो एक difficult और एक challenging part जो था कि categorize करना difficult हो गया था कि इसे logical reasoning में पकड़ा जाए या इसे basic numeracy में पकड़ा जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे questions थे जो questions के अंदर इन दोनों का mixture था. Approximately 10 questions were classified thus. So 10 questions ऐसे थे जो जिनका दोनों का मिक्सचर था. On the whole, CSAT 2015 paper was as easy as CSAT 2014 paper, if not more. So CSAT 2014 का जो paper था लगभग वैसा ही paper CSAT 2015 था, उतना ही आप कह सकते easy या difficult था. The announcement that the CSAT paper has been made qualifying was surely a heartbreak for many students expecting to do well in this paper and just scrap through the GS. तो मैंने जैसे पहले कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक हार्ट ब्रेकिंग था कि मैं तो CSAT में अच्छे मार्क्स ला लूंगा, 150-160 ला लूंगा, और पेपर वन में फिर मुझे 50-60 लाने होंगे और मैं प्रीलिम्स क्लियर कर दूंगा. लेकिन अब ये क्वालिफाइंग होने की वजह से इसका कट ऑफ जो है 100-110 तक चला जाएगा और जा चुका है. तो इसके वजह से जो है आप पेपर वन पे सबको फोकस करना पड़ेगा, और इसमें जो है वन वन मार्क पे भी 1,000-10,000 स्टूडेंट्स कॉम्पीट कर रहे हैं. हावेवर दे वर डिलाइटेड दैट जीएस पेपर टर्न्ड आउट टू बी इजियर देन एक्सपेक्टेड. इस टाइम जो है जीएस पेपर काफी इजी था एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से. तो ये जो है टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है. विजुअल रीजनिंग के ऊपर 28 क्वेश्चंस थे, लॉजिकल एंड एनालिटिकल के ऊपर जो है सिर्फ 2 क्वेश्चंस थे, डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर 2 क्वेश्चंस थे, बेसिक न्यूमरेसी के ऊपर 18 क्वेश्चंस थे, और कॉम्प्रिहेंसिव के ऊपर जो है 30 क्वेश्चंस थे. ऐसे टोटल 100 क्वेश्चंस थे. तो ये तो था एक टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन. अब हमने जो है इस चैनल के ऊपर यानी कि सिंपल कॉन्सेप्ट्स चैनल के ऊपर जो है हर टॉपिक के ऊपर 100+ क्वेश्चंस हमने सॉल्व डाले हैं. तो आपको जो है इन सारे टॉपिक्स के ऊपर लगभग 100+ क्वेश्चंस ऑन ईच टॉपिक लगभग 2,500 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. तो आप अगर सिर्फ ये चैनल भी रेफर करेंगे तो आपको इजीली आप ये पेपर क्रैक कर सकते हैं. तो इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको ये वीडियोस कैसे लगे नीचे कमेंट करें, और इसे शेयर करें ज्यादा से ज्यादा ताकि हम फ्री एजुकेशन टू ऑल प्रोवाइड कर सके. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.